Very good morning, my dear students. Myself Sanjay Makwana, lecturer, Automobile Engineering. Dear students, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हीकल टेक्नोलॉजी का ट्रांसमिशन सिस्टम. ट्रांसमिशन को अपन गियर बॉक्स भी बोलते हैं या ट्रांसमिशन बॉक्स के नाम से भी जानते हैं. और इसके जो इम्पॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं वो पहले अपन डिस्कस करते हैं. व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ट्रांसमिशन, कि ट्रांसमिशन के कौन कौन से. तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो ट्रांसमिशन का फंक्शन होता है कि इट प्रोवाइड द डिफरेंट टॉर्क रेशियो, कि ये अलग अलग टॉर्क रेशियो प्रोवाइड करता है. सेकंड, इट प्रोवाइड द डिफरेंट वेलोसिटी रेशियो, ये अलग अलग वेलोसिटी रेशियो प्रोवाइड करता है. नेक्स्ट, थर्ड, द ट्रांसमिशन आल्सो प्रोवाइड्स अ न्यूट्रल पोजीशन, कि जो ट्रांसमिशन है वो क्या करता है कि न्यूट्रल पोजीशन भी प्रोवाइड करता है. कि एक बार जब हम क्लच के यहाँ से पावर को आगे पास कर देते हैं या क्लच को डिसंगेज कर देते हैं, तो क्लच के डिसंगेज के बाद भी हम पावर को गियर बॉक्स में भी रोक सकते हैं, गियर को न्यूट्रल में करके. अगर हमने गियर को न्यूट्रल में कर दिया तो पावर गियर बॉक्स में रुक जाएगी, अब उससे आगे नहीं जाएगी. तो इसका मतलब पावर को अपन गियर बॉक्स में भी रोक सकते हैं. तो ट्रांसमिशन आल्सो प्रोवाइड द न्यूट्रल पोजिशन सो डैट द इंजन एंड द रोड व्हील्स आर डिसकनेक्टेड इवन वेन द क्लच इज एंगेज. अगर क्लच एंगेज है तो हम गियर बॉक्स में भी पावर को रोक सकते हैं, ठीक उसी तरीके से जैसे अपन क्लच को डिसंगेज करके पावर को रोकते हैं. चौथा जो इसका मेन इम्पॉर्टेंट काम है ट्रांसमिशन बॉक्स का, ट्रांसमिशन गियर बॉक्स का, वो है अ मीन्स ऑफ बैक ऑफ द रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन ऑफ द ड्राइव इज ऑल्सो प्रोवाइडेड बाय द ट्रांसमिशन. डैट मीन्स कि ये एक ऐसी डिवाइस है जो कि गाड़ी को रिवर्स चलाने में भी इम्पॉर्टेंट काम करती है, गाड़ी को रिवर्स लेने में भी मदद करती है. क्योंकि बिना गियर बॉक्स के, क्योंकि इसमें रिवर्स गियर होते हैं, तो जब अपन उनको एंगेज कर देते हैं तो हमारी गाड़ी पीछे की तरफ मूविंग मोशन स्टार्ट हो जाता है, पीछे की तरफ हमारी घूमना चालू कर देती है. तो ये जो फैसिलिटी है वो हमारे गियर बॉक्स में ही है. रिवर्सिंग जो डायरेक्शन होती है उसकी फैसिलिटी हमारे ट्रांसमिशन बॉक्स के अंदर है. तो ये चार मुख्य काम हो गए इसके. पहला काम, इट प्रोवाइड द डिफरेंट टॉर्क रेशियो, अलग अलग अकॉर्डिंग कंडीशन के अकॉर्डिंग, हमारी नीड के अकॉर्डिंग, नेसेसिटी के अकॉर्डिंग अलग अलग वो टॉर्क रेशियो प्रोवाइड करता है, अलग अलग वेलोसिटी रेशियो प्रोवाइड करता है हमारी नीड के अकॉर्डिंग, और न्यूट्रल पोजीशन प्रोवाइड करता है, और रिवर्सिंग द डायरेक्शन, गाड़ी को जो रिवर्स करते हैं अपन उसकी फैसिलिटी भी वो प्रोवाइड करता है गियर बॉक्स. तो ये चार इसके मुख्य कारण हो गए, जो मेन फंक्शन है वो चार हैं. अब इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए किसी गाड़ी के अंदर गियर बॉक्स नहीं है, तब क्या होगा? तब ये होगा कि हम जब इसको गाड़ी को रेस देंगे, मान लीजिए उसमें गियर बॉक्स नहीं है और चढ़ाई पर चढ़ा रहे हैं, तो जब अपन रेस देंगे तब क्या होगा कि क्योंकि टॉर्क हमारे को ज़्यादा चाहिए और वो टॉर्क हमारे को गियर बॉक्स से मिलता था, लेकिन अब गियर बॉक्स नहीं है तो हम चाहे कितना भी थ्रॉटल खोल दें, कितना भी हम एक्सेलेरेटर को खोल दें, हमें वो टॉर्क नहीं मिलेगा जो कि नीडफुल है, जो कि स्टेबलाइजिंग स्पीड को पाने के अंदर इम्पॉर्टेंट है, वो हमको नहीं मिलेगा. और उसके कारण क्या होगा कि हमारी गाड़ी जो है वो लोड नहीं लेगी और चढ़ाई पर नहीं चढ़ेगी. बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ गियर बॉक्स द व्हीकल और द कार और द मोटर व्हीकल इज नॉट एबल टू मूव द ऑन द ग्रेडियंट, ग्रेडियंट पे मूव करने लायक नहीं रहेगी. ऐसी कंडीशन में हमारी गाड़ी जो है वो चढ़ाई पे नहीं चढ़ पाएगी, चाहे हम कितना भी थ्रॉटल खोल दें, चाहे हम कितना भी थ्रॉटल खोल दें तो वो हमारी गाड़ी इस पर नहीं चलेगी. डैट मीन्स इफ़ ए इंजन इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द रोड व्हील्स इट मे नॉट हैव इनफ ट्रैक्टिव एफर्ट टू स्टार्ट द व्हीकल फ्रॉम रेस्ट. अगर उसमें पर्याप्त ट्रैक्टिव एफर्ट नहीं डेवलप हुआ तो इवन वो चलने लायक ही नहीं होगी. ये ध्यान रहे, हम इवन वो चलने लायक ही नहीं होगी. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट टॉर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एट द टाइम ऑफ नेसेसिटी, कि कब हमारे कितना टॉर्क की आवश्यकता है वो हमारे को गियर बॉक्स से ही मिलता है. अब अपन बात करते हैं कि जो रेजिस्टेंस होता है व्हीकल के अंदर, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द व्हीकल मोशन, जब एक गाड़ी मूव करती है
तो उसमें कौन कौन सा उसमें रेजिस्टेंस लगते हैं, तो सबसे पहला जो रेजिस्टेंस लगेगा वो है रेजिस्टेंस ड्यू टू विंड, विंड के कारण। दूसरा रेजिस्टेंस ड्यू टू ग्रेडियंट, चढ़ाई के कारण। और तीसरा मिसलेनियस, उसके अंदर कई चीज़ें इंक्लूड है, जैसे मिसलेनियस के अंदर हमारा आ जाता है टाइप ऑफ रोड, टायर फ्रिक्शन, टाइप ऑफ रोड, टायर फ्रिक्शन, राइट, एंड अदर फैक्टर्स आल्सो इंक्लूडेड इन दिस। उसमें कई और फैक्टर्स आ जाते हैं। तो ये तीन जो हैं रेजिस्टेंस कहलाते हैं, एक विंड का, एक ग्रेडियंट का, और तीसरा मिसलेनियस, इसमें कई सारे फैक्टर्स शामिल होते हैं। तो ये जो हमारे फैक्टर्स हैं ये हमारे रेजिस्टेंस कहलाते हैं। अब देखिए इसको अपन ग्राफ के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला जो हमारा ग्राफ है वो है रेजिस्टेंस और स्पीड को। ये इन ग्राफों की मदद से अपन ये समझना चाह रहे हैं कि जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया था कि अगर अपन गियरबॉक्स नहीं लगाएं किसी व्हीकल के अंदर तो क्या दिक्कत आएगी, वो अपन जो चीज़ें हैं इस ग्राफ के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अपन समझते हैं कि रेजिस्टेंस, प्रतिरोध और स्पीड। तो जैसे मैंने आपको बताया कि तीन तरीके के रेजिस्टेंस हमारे हैं। नंबर वन, जैसे मैंने आपको बताया, ये देखिए, ये पहला वाला विंड रेजिस्टेंस है। विंड रेजिस्टेंस है फर्स्ट। ये कैसे है कि जैसे जैसे हमारी स्पीड बढ़ेगी ये विंड का रेजिस्टेंस बढ़ेगा, क्योंकि विंड का रेजिस्टेंस ये होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारी स्पीड के, स्पीड से ऊपर। जैसे गाड़ी की स्पीड हम बढ़ाएंगे तो विंड का जो रेजिस्टेंस है, क्योंकि विंड अपोजिट डायरेक्शन में चलेगी, गाड़ी अगर किसी डायरेक्शन चल रही है तो विंड उसके अपोजिट में आती है, तो वो एक पुश, धक्का लगाएगी उसके ऊपर और एक तरह का रेजिस्टेंस क्रिएट करेगी जो कि इसको पीछे रोकने के लिए, धकेलने के लिए काम करेगी। विंड तो एक रेजिस्टेंस का काम करती है और वो रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड के, कि जैसे जैसे हमारा, ये देखिए आप, जैसे जैसे हमारा स्पीड बढ़ेगी ये विंड का रेजिस्टेंस हमारा बढ़ता चला जाएगा। ये देखिए स्पीड यहाँ है तो ये रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा हो गया, पहली बात। दूसरी बात, जब अपन देखेंगे कि जो हमारा ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट रेजिस्टेंस, ग्रेडियंट का मतलब होता है हमारा स्लोप वाला रेजिस्टेंस, ये हमारा फिक्स है। ये देखिए ये हमारा फिक्स है, कांस्टेंट होता है। एक पर्टिकुलर स्लोप के लिए जो ग्रेडियंट रेजिस्टेंस है वो हमारा फिक्स हो जाता है। तो ये हमारा ग्रेडियंट रेजिस्टेंस है, सेकेंड लाइन जो आप डॉटेड लाइन देख रहे हैं ये सेकेंड वाली, ये देखिए ये हमारा ग्रेडियंट। और तीसरा है मिसलेनियस, वो टाइप ऑफ रोड, टायर का फ्रिक्शन, तो इसके कारण जो हमारा रेजिस्टेंस है ये भी फिक्स हो जाता है। ये देखिए ये अपना फिक्स हो गया। तो तीसरी लाइन जो है हमारी मिसलेनियस रेजिस्टेंस की है। अब अगर अपन तीनों को मिला के एक टोटल रेजिस्टेंस जो गाड़ी के ऊपर लग रहा है उस पे, उसको अगर आप उसका ग्राफ बनाएंगे बिटवीन द रेजिस्टेंस एंड द स्पीड, तो ये देखिए ये हमारा ये वाला ग्राफ बना है, ये टोटल रेजिस्टेंस का है। इसमें हमारा विंड रेजिस्टेंस भी शामिल है, ग्रेडियंट रेजिस्टेंस भी शामिल है और मिसलेनियस रेजिस्टेंस भी इसके अंदर शामिल है। ये देखिए आप, तो अगर अपन देखें तो ये विंड रेजिस्टेंस और ये दोनों जो, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों को अपन जोड़ेंगे तो ये हमारा टोटल रेजिस्टेंस ये वाला हो गया। और यहाँ से इसको अपन ने ये विंड रेजिस्टेंस की शेप में बना दिया, तो ये टोटल रेजिस्टेंस के अंदर तीनों चीज़ें शामिल हो गई जो हमने अभी डिस्कस करी। फिर अब अगर अपन देखें सेकेंड वाला ग्राफ, ये देखिए, तो हायर कर्व रिप्रेजेंट, तो इसके अंदर क्या है कि देखिए ये कर्व है टोटल रेजिस्टेंस और स्पीड के अंदर। टोटल रेजिस्टेंस जो हमारा था ये वाला, ये टोटल रेजिस्टेंस जो हमने निकाला हुआ है, टोटल रेजिस्टेंस का मतलब जिसमें तीनों चीज़ इंक्लूड है, रेजिस्टेंस ड्यू टू विंड, रेजिस्टेंस ड्यू टू ग्रेडियंट एंड रेजिस्टेंस ड्यू टू रोड एंड टायर फ्रिक्शन, इन तीनों को मिला के अगर अपन देखें ये वाला, ये ग्राफ अगर अपन देखें, इस ग्राफ को अपन बनाएंगे यहाँ पर। कैसे बनाएंगे कि अलग अलग ग्रेडियंट के हिसाब से बनाएंगे, तो स्पीड वर्सेस टोटल रेजिस्टेंस अलग अलग ग्रेडियंट के हिसाब से बनाएंगे अपन। तो ये जो अपना सबसे पहला वाला जो ग्राफ है ये हाई ग्रेडियंट के लिए, मतलब बहुत ज़्यादा स्लोप है, बहुत ज़्यादा स्लोप है, चढ़ाई ज़्यादा है, तो हमारा कर्व आएगा ये वाला, ये नंबर वन कर्व। अगर चढ़ाई कम है, स्लोप थोड़ा कम है, तो हमारा ये टोटल जो है थोड़ा सा रेजिस्टेंस हमारा जो है वो थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा। फिर हमारा स्लोप और कम होगा तो ये और कम हो जाएगा, फिर और कम होगा तो और कम हो जाएगा। तो ये जो है फोर्थ वाला, इसको देखिए आप,
ये सबसे कम स्लोप वाला है ये, और ये हाई स्लोप वाला हमारा कर्व है कि जितना ज़्यादा स्लोप है इस ग्राफ से अपन क्या समझें कि जितना ज़्यादा हमारा स्लोप होगा, जितना ज़्यादा हमारा चढ़ाई होगी ऐसा समझ लीजिए आप, तो वहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, स्पीड जैसे जैसे बढ़ेगी टोटल रेजिस्टेंस हमारा बढ़ेगा। और इसी को अगर अपन देखें कि जैसे हमारा चढ़ाई हमारी कम है तो टोटल रेजिस्टेंस हमारा कम होगा, क्योंकि ग्रेडियंट कम हो गया, विंड का रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, मिसलेनियस रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, तो स्पीड के बढ़ेगा तो सही स्पीड के साथ, लेकिन एज कम्पेयर टू हायर ग्रेडियंट, हायर ग्रेडियंट का मतलब है हायर स्लोप के अकॉर्डिंग, स्लो वाले स्लोप में या कम स्लोप के अंदर जो टोटल रेजिस्टेंस था वो कम रहेगा। देखिए पर्टिकुलर स्पीड मान लीजिए, इस स्पीड पे अपन देखें तो टोटल रेजिस्टेंस बहुत हायर स्लोप पे ये है देखिए, राइट, और वहीं पे ये हमारा लोअर स्लोप के ऊपर है, लोअर ग्रेडियंट पर है, तो ये इतना अंतर इसमें आ गया, ये देखिए ये अंतर आ गया इसमें, ये कम है। तो कहने का मतलब है कि जितना ज़्यादा स्लोप होगा, जितना ज़्यादा ग्रेडियंट होगा, उतना ज़्यादा रजिस्टेंस होगा स्पीड के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये देखिए ये हमारा सेकेंड वाला ग्राफ था। अब अपन जानते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ट्रांसमिशन नेसेसिटी। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि अब इसको अपन इस जो अपन ने दो अभी अपन ने ग्राफ देखे, नाउ वी अंडरस्टैंड द वेरिएशन ऑफ टोटल रेजिस्टेंस टू द व्हीकल मोशन एंड द ट्रैक्टिव एफर्ट ऑफ द व्हीकल विद स्पीड। अब अपन तीसरा ग्राफ देखेंगे, ये देखिए ये तीसरा ग्राफ है हमारा जिसको अपन समझने की कोशिश करेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है, इट इज़ ओबीवियस दैट वाट एवर द ट्रैक्टिव एफर्ट एक्सीड द टोटल रेजिस्टेंस द व्हीकल विल एक्सीलरेट टू अ स्पीड वेयर अट्रैक्टिव एफर्ट बिकम्स इक्वल टू द टोटल रेजिस्टेंस। यहाँ अपन इस ग्राफ से अपन समझने की कोशिश करेंगे, ये तीसरा ग्राफ है, ये देखिए ये किस किस के बीच में, ट्रैक्टिव एफर्ट और स्पीड के बीच में ये ग्राफ है, ट्रैक्टिव एफर्ट और स्पीड के बीच में ये ग्राफ है। तो पहला ये है हमारा, पहला इसको अपन ऐसे समझेंगे, देखिए हाँ देखिए इसको अपन समझेंगे ऐसे कि ये जो ग्राफ है हमारा, ये ट्रैक्टिव एफर्ट जो हमारे को टॉर्च चाहिए और स्पीड जो चाहिए उसके बीच में ये ग्राफ है जो आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, उसके बीच में ये ग्राफ है। सबसे पहले अपन मान लीजिए कि हमारा जो व्हीकल है वो है थर्ड गियर में, ये देखिए ये थर्ड गियर में हमारा व्हीकल है, ये थर्ड गियर में है, तो इसके अंदर क्या होगा, अलग अलग ग्रेडियंट के लिए ये बनाए अपन ने, ये मान लीजिए फर्स्ट ग्रेडियंट के लिए पहला वाला, जब ये फर्स्ट वाला है जब बहुत ज़्यादा चढ़ाई हो, ग्रेडियंट बहुत ज़्यादा हो, स्लोप बहुत ज़्यादा हो, हाई स्लोप, ये वाला हाई स्लोप के लिए, दूसरा वाला कम स्लोप के लिए, ये थोड़े कम स्लोप के लिए, और तीसरा वाला सबसे कम स्लोप के लिए, लो स्लोप, ये लो स्लोप के लिए, ये तीन कर्व हैं। अब इसको ऐसे देखिए कि ये जो फर्स्ट वाला लो स्लोप के लिए है ये वाला, तो जैसे जैसे स्पीड कम होगी तो हमारे को ट्रैक्टिव एफर्ट हमारा कम रहेगा, जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी हमारी, तो देखिए जैसे जैसे स्पीड बढ़ रही है तो हमारा जो ट्रैक्टिव एफर्ट है वो भी हमारा, अगर कम स्लोप है, कम स्लोप का मतलब है चढ़ाई कम है, तो जब हम स्पीड को बढ़ाएंगे हमारा टॉर्क भी बढ़ेगा, ये देखिए ट्रैक्टिव एफर्ट या टॉर्क बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, स्पीड के साथ साथ ये भी बढ़ेगा, और ये स्लोप कम वाला है और हमारा थर्ड गियर में हमारी गाड़ी है, ये मान लीजिए हमारा गाड़ी हमारी थर्ड गियर में, स्लोप कम है, तो जब हमारी स्पीड बढ़ेगी तो हमारा टॉर्क एक लिमिट तक पहुंचेगा, उसके बाद हमारा टॉर्क कम होता चला जाएगा। सेकंड में अपन अगर देखेंगे तो अब क्या है कि ये तो हमारा हुआ थर्ड गियर के अंदर, लेकिन अगर हमारा स्लोप अगर ज़्यादा है, चढ़ाई ज़्यादा है, तो हमको सेकंड गियर के अंदर गाड़ी को लेके आना पड़ेगा। तब सेकंड गियर में लेके आएंगे तो देखिए टॉर्क बढ़ेगा हमारा, कम स्पीड पर टॉर्क और बढ़ेगा जो कि सफिशिएंट होगा गाड़ी को मूव करने के लिए। तो देखिए स्पीड बढ़ी तो हमारा टॉर्क भी बढ़ेगा, स्पीड बढ़ी टॉर्क बढ़ा और ऑप्टिमम स्पीड पर पहुंचेगा, और उसके बाद फिर वो कम होना चालू हो जाएगा। जब हमारा स्लोप बढ़ा तो हमारे को टॉर्क का अमाउंट भी बढ़ाना पड़ेगा। डेट दिस मीन्स, इसको मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर क्या था कि देखिए हमारा ये स्लोप कम था, ये वाला जो थर्ड वाला ग्राफ है हमारा, यहाँ पर स्लोप कम था, तो अब क्या होगा, जब स्लोप कम है और
हमारी व्हीकल जो है वो थर्ड गियर के अंदर है। थर्ड गियर में क्या होता है, टॉर्क कम मिलता है, स्पीड ज़्यादा मिलती है। तो जैसे जैसे हम स्पीड को बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारा टॉर्क बढ़ेगा धीरे धीरे, और एक ऑप्टिमम स्पीड पर पहुँचेगा। और उसके बाद हमारा टॉर्क जो है कम हो जाएगा, स्पीड को लगातार बढ़ाते रहेंगे, हमारा टॉर्क जो है वो कम होता चला जाएगा। लेकिन अगर हम अब स्लोप बढ़ाते हैं, जो हमारा ग्रेडियंट है जिसको अपन स्लोप बोल रहे हैं, जिसको अपन चढ़ाई बोल रहे हैं, अगर वो ज़्यादा हो तो हमारा थर्ड गियर पे गाड़ी नहीं चढ़ेगी। क्यों नहीं चढ़ेगी? क्योंकि यहाँ पर हमारे को टॉर्क ज़्यादा चाहिए, और इस स्पीड के अंदर जो थर्ड हमारा जो गियर लगा हुआ है इसमें वो टॉर्क नहीं मिल पाएगा जो उस चढ़ाई के लिए इम्पॉर्टेंट है, उस चढ़ाई के लिए ज़रूरी है। अमाउंट हमारे को टॉर्क का बढ़ाना पड़ेगा। तो जैसे हम इसको जब हम थर्ड गियर से नहीं प्राप्त कर सकते तो हमारे को इसको गियर को चेंज करना पड़ेगा, तब हमने सेकंड गियर लगाया, क्योंकि अब चढ़ाई ज़्यादा है, स्लोप ज़्यादा हो गया, तो हमने सेकंड गियर में डाला। ये देखिए सेकंड गियर में डाला अपन ने, तब टॉर्क हमारा बढ़ेगा। देखिए दोनों में अंतर देखो, अब ये इसी स्पीड पे, एक पर्टिकुलर स्पीड के ऊपर, ये देखिए ये पर्टिकुलर स्पीड के ऊपर हमारा टॉर्क यहाँ पर ये वाला था, और वहीं पर टॉर्क यहाँ पर है। तो देखिए ये टॉर्क कितना ज़्यादा हो गया, इस टॉर्क से ये यहाँ इतना था और यहाँ ये हमारा बढ़ गया। तो हमारा टॉर्क बढ़ेगा जब अपन गियर चेंज करेंगे, और जब टॉर्क बढ़ेगा तो अब वो लोड को उठा लेगा, और हमारी गाड़ी को स्पीड को वो बढ़ाएगा धीरे धीरे, स्पीड को अपन उसको बढ़ाएंगे और टॉर्क बढ़ेगा, फिर एक ऑप्टिमम स्पीड पे पहुंचेगा, और उसके बाद वो डिक्रीज होना चालू हो जाएगा। तो ये हमारा कब हुआ, जब हमारा स्लोप बढ़ गया, जब हमारा ग्रेडियंट बढ़ गया, तब हमारे को गियर भी हमारे को कम कर गियर रेशियो भी हमको बढ़ाना पड़ेगा, यह कह सकते हैं कि टॉर्क रेशियो हमारे को बढ़ाना पड़ेगा, जिससे कि हमारी गाड़ी उस पर चढ़ जाए। अब मान लीजिए कि हमारा ग्रेडियंट और बढ़ गया, मान लीजिए हमारा स्लोप और बढ़ गया, और अब ये वाला जो हमारा टॉर्क रेशियो वो इनसफिशियंट हो जाएगा अब, क्योंकि हमारा स्लोप बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। तो अब हमारा ये वाला जो टॉर्क रेशियो ये भी कम पड़ गया हमारे गाड़ी को एक्सेलरेट करने के लिए, तो हमने फर्स्ट गियर लगाया। ये देखिए ये फर्स्ट गियर लगाया, अब इसमें टॉर्क और बढ़ा, ये डिफरेंस देखिए आप टॉर्क का, ये और बढ़ा, और फिर इसके कारण हमारी गाड़ी जो है वो हमारा मूव होगी और आगे बढ़ेगी, और इसके कारण फिर हमारा वो स्लोप पार हो जाएगा और वो गाड़ी उस पर चढ़ जाएगी। तो ये जो ग्राफ था हमारा वो ट्रैक्टिव एफर्ट और स्पीड के बीच में था, जो कि अलग अलग ग्रेडियंट के लिए, अलग अलग ग्रेडियंट के लिए था। अब लास्ट का जो हमारा, देखिए ये जो हमारा लास्ट का टॉपिक है, ये जो लास्ट का ग्राफ है हमारा वो है, ये देखिए आप ट्रैक्टिव एफर्ट या टोटल रेजिस्टेंस दोनों के लिए, ट्रैक्टिव एफर्ट भी है, इन दोनों को मर्ज सुपर इम्पोज कर दिया अपन ने, दो अपन ने सुपर इम्पोज करे। देखिए ये वाला ग्राफ जो अपन ने देखा था 4.2 और 4.3, ये दोनों अपन ने सुपर इम्पोज करे। ये देखिए ये वाला और ये वाला, ये दोनों अपन ने सुपर इम्पोज करे नीचे इसके अंदर, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें बताएगा कि देखिए यहाँ पर अपन ने, ये तो स्पीड की बात हो रही है, यहाँ पर स्पीड है, ये स्पीड बढ़ रही है, और ये इस तरफ जो है ट्रैक्टिव एफर्ट है और टोटल रेजिस्टेंस है। और ये जो आप 1, 2, 3 देख रहे हैं, यहाँ पर आप देखिए ये जो 1, 2, 3 आप देख रहे हैं, ये आपको साफ नज़र आ रहा है, ये पहला स्लोप है, ये दूसरा स्लोप है, ये तीसरा स्लोप है, ये चौथा स्लोप है, ये सबसे ज़्यादा हाई स्लोप है, और ये लो स्लोप है नीचे 1 नंबर का। और ये जो हमारा थर्ड लिखा हुआ है, ये सबसे हमारा जो है, यहाँ जो फोर्थ गियर है हमारा, ये फोर्थ गियर है हमारा, ये मान लीजिए हमारा, या थर्ड गियर मान लीजिए, ये थर्ड गियर है, ये हमारा सेकंड गियर है, और ये हमारा फर्स्ट गियर है। ये तीन गियर वाले कंडीशन हमने दोनों को लगाया। तो पहले अपन देखिए, पहले अपन बात करते हैं कि सबसे हमारा जो स्लोप था वो कम था, ये स्लोप है हमारा ये वाला, ये स्लोप था हमारा, ये सबसे कम है, और इसके ऊपर अपन थर्ड गियर के अंदर गाड़ी चला रहे हैं। तो देखिए ये अपन ने स्पीड बढ़ाई तो हमारा टॉर्क बढ़ा, स्पीड बढ़ाई टॉर्क बढ़ा, स्पीड बढ़ाई टॉर्क बढ़ा, और ये हमारा फिर टॉर्क बढ़ने के बाद एक लिमिट के बाद वो कम होने लग गया। अब इसमें आप देखेंगे कि दो चीज़ आई है, दो फर्स्ट वाले कर्व को
फर्स्ट वाला जो हमारा लाइन थी, ये देखिए इसको इसने यहाँ पर काटा पॉइंट ए पर, ये पॉइंट ए है हमारा, यहाँ पर काटा। अब ये जो जहाँ पर कट लगाया है इसको अपन बोलेंगे स्टेबलाइजिंग स्पीड, ये हमारी स्टेबलाइजिंग स्पीड है। कहने का मतलब है कि जो हमारा ग्रेडियंट है, हमारा स्लोप है, अगर अपन थर्ड गियर के अंदर गाड़ी चला रहे हैं तो हमारे को एक स्टेबलाइजिंग स्पीड हमारी मिलेगी। अब अगर इससे कम, अगर अपन स्पीड, हम स्पीड को कम करेंगे, देखिए ये अपन ने स्पीड पे कम करा, तो ये जो बचा हुआ डिफरेंस है ये हमारे को टॉर्क प्रोवाइड करेगा और जिससे वो एक्सेलरेट होगी गाड़ी हमारी, जिससे हमारी गाड़ी जो है एक्सेलरेट होगी। और अगर अपन इसको अगर अपन इसको स्पीड को बढ़ा देते हैं, अगर अपन पहले अपन ने स्पीड को कम किया था तो हमारी गाड़ी एक्सेलरेट हुई थी, ये देखिए ये एक्सेलरेट हुई थी, लेकिन अगर अपन अब स्पीड को बढ़ा दें तो हमारी गाड़ी जो है टॉर्क कम हो जाएगा, तो टॉर्क कम हो जाएगा तो हमारे स्टेबलाइजिंग स्पीड को मेंटेन रखने में दिक्कत आएगी, वो मेंटेन नहीं रह पाएगी और गाड़ी हमारी बंद भी हो सकती है। तो ये ए की स्टेबलाइजिंग स्पीड है इसके ऊपर, जो कि ए से शो कर रहे हैं अपन। इसका मतलब कि हमारे को इतना टॉर्क तो चाहिए ही चाहिए जब हमन एक पर्टिकुलर स्लोप के ऊपर चढ़ रहे हैं। दूसरी बात, सेकंड वाला जो है वो अगर अपन अब स्लोप बढ़ा दें तो देखिए हमारी जो टॉर्क है एक तो वो बढ़ गई, वो ज़्यादा चाहिए हमारे को, और दूसरा हमारे को स्टेबलाइजिंग स्पीड जो है वो हमारे को रिड्यूस करनी पड़ेगी। जब टॉर्क बढ़ेगा तो स्पीड कम हो जाएगी, तो सेकंड ग्रेडियंट पे हम थर्ड वाले गियर से चढ़ सकते हैं। जो थर्ड गियर में हमारी गाड़ी है वो थोड़े स्लोप बढ़ने पे भी चढ़ सकती है, क्योंकि उस पे भी स्टेबलाइजिंग स्पीड हमारी आ रही है। लेकिन अब अगर हमारा स्लोप और बढ़ गया, ये देखिए हमने स्लोप और बढ़ाया, तो हमारा ग्राफ जो है ये देखिए लाइन कहीं भी टच नहीं कर रही इसको, तो इसका मतलब थर्ड गियर में अपन उस स्लोप पे नहीं चढ़ा सकते जो कि ज़्यादा हो गया है। इसका मतलब हमारे को अब जो गियर चेंज करना पड़ेगा, टॉर्क रेशियो हमारे को ज़्यादा चाहिए ताकि उसको अपन स्टेबलाइज स्पीड को अपन प्राप्त कर सकें। तो ये देखिए ये जो हमारा कर्व है, ये टॉर्क वाला कर्व है जो इसको यहाँ काट रहा है, तो ये हमारी स्टेबलाइजिंग स्पीड अब मिल गई। इसका मतलब जब अपन ने गियर चेंज करा, ये कह सकते हैं अपन ने टॉर्क रेशियो चेंज करा, तब हमारे को स्टेबलाइजिंग स्पीड मिली जो कि हमारे को वो चढ़ाई चढ़ने में मदद करेगी जिसकी आवश्यकता है, राइट। और अगर अपन इसी के ऊपर सेकंड गियर के ऊपर ही, या कह सकते हैं कि सेकंड गियर के ऊपर अपन और स्लोप बढ़ा दें, हम ये देखिए ये स्लोप और बढ़ाया, तो अब ये भी नाकाफ़ी है, ये हमारा टॉर्क भी नाकाफ़ी है फर्स्ट उस वाले स्लोप को चढ़ने में। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारे को और ज़्यादा टॉर्क रेशियो चाहिए, तो हमारे को गियर रेशियो चेंज करना पड़ेगा, डेट मीन्स टॉर्क रेशियो और बढ़ाना पड़ेगा। ये हमने और बढ़ाया, ये देखिए और बढ़ाया, तो जब और बढ़ाएंगे तब हमारे को वो डिज़ायर्ड जो हमारे को स्टेबलाइजिंग स्पीड है, ये देखिए ये मिल गई स्टेबलाइजिंग स्पीड, तो हमारा जो एफर्ट है वो पूरा होगा और टोटल रेजिस्टेंस को पार पाते हुए हमारी गाड़ी उस पर चढ़ेगी। अगर ये इसको स्टेबलाइजिंग स्पीड नहीं मिलती तो हम गाड़ी को नहीं चढ़ा सकते उसके ऊपर, ये इम्पॉसिबल हो जाएगा। अपन ऐसे कह सकते हैं कि स्टेबलाइजिंग स्पीड बहुत इम्पॉर्टेंट है गाड़ी को स्लोप के ऊपर चढ़ाने के लिए, और वो प्राप्त होती है हमारे को अलग अलग गियर रेशियो से, अलग अलग हमारा जो गियर रेशियो या टॉर्क रेशियो उससे। इसको ध्यान में रखते हुए अपन को इसको करना है चेंज, ताकि हमारे को वो मैक्सिमम ट्रैक्टिव एफर्ट प्राप्त हो सके जो कि एक्सेलरेशन के लिए ज़रूरी है। व्हेन द नेसेसरी स्पीड हैज़ टू बी ऑब्टेन वी मे शिफ्ट द गियर टू हायर गियर्स, बिकॉज व्हेन द व्हीकल स्पीड हैज़ टू बी सिंपली मेंटेन एंड नो एक्सेलरेशन इज रिक्वायर्ड। तो हमारी जो स्पीड है वो कब मेंटेन होगी, जब स्टेबलाइजिंग स्पीड हमारी अचीव हो जाएगी। और वो स्टेबलाइजिंग स्पीड कब अचीव होगी, जैसे मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि अगर हमारा स्लोप बहुत ज़्यादा है, ये देखिए यहाँ हमारा स्लोप बहुत ज़्यादा है, इस चित्र में आप देख रहे हैं कि ये हमारा स्लोप बहुत ज़्यादा है, स्लोप बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ थर्ड गियर में गाड़ी नहीं चढ़ेगी, क्योंकि ये कहीं से भी कट नहीं कर रहा इस वाले ग्राफ को। इसका मतलब ये है कि जो टॉर्क रेशियो हमारे को चाहिए, जो गियर रेशियो हमारे को चाहिए, ये थर्ड गियर में
टॉर्क से प्राप्त नहीं किया जा सकता। और जब ये प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसका मतलब स्टेबलाइजिंग स्पीड जो उस चढ़ाई के लिए ज़रूरी है वो हमारी नहीं मिल पाएगी। गॉट माई पॉइंट? तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें। तो उसके लिए अपन को गियर रेशियो चेंज करना पड़ेगा ताकि वो चढ़ाई हम चढ़ सकें और रेजिस्टेंस को पार पाते हुए हमारी गाड़ी स्पीड को, स्टेबलाइजिंग स्पीड को मेंटेन रखते हुए मोशन में रहे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आए होंगे ग्राफ। थैंक यू वेरी मच। अब आप इसको थोड़ा सा और एक बार एक्सरसाइज करें तो ये शायद आपके और क्लियर होगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत